बातचीत। राजेश जी, पहले तो बैंक्स पर बताइए, आप 37,000 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज हमने दिग्गज बैंकों में स्ट्रेंथ आते हुए देखी भी है, कोई ट्रेड यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल दीपाली जी, मैंने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है वो PSU बैंक्स में SBI ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है जिस तरीके से इसका सेटअप है और आज जिस तरीके से स्टॉक ने मूव दिया है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिखाता हुआ दिखना चाहिए। 448 से 455 ये टारगेट हम SBI में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन में स्टॉक की एक्युमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली डिप्स में, ये दिखाता है कि 427 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 448 से 455 तक आते हुए दिखेंगे। इवन हमें बैंकिंग स्पेस से प्राइवेट बैंक भी अच्छे लग रहे हैं, उसमें कोटक बैंक भी हमने यहाँ पे हमें यहाँ से प्रॉमिसिंग लग रहा है, कोटक बैंक में 1840 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। जो इस सेक्टर में हमें ये दो बैंक पसंद है, SBI और कोटक बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कर रहा है ट्रेड, 2% की मजबूती के साथ 33 रुपए ऊपर है और SBI भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इन दोनों में ट्रेड के मौके हैं। कोटक में 1840 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं राजेश जी, और देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला भी है। अच्छा, दिग्गजों में ही एक स्टॉक है जिस पर आपके कमेंट्स चाहिए, वो है UPL का, और UPL में पिछले 3 दिनों में स्पेशली यानी इस हफ्ते की शुरुआत से ही बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आज भी आप देखिए ये स्टॉक जहां खुला उसके बाद इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रही, लेकिन अब अगेन दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ये ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर, जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी की पोजीशंस हो वो क्या करें और नए ट्रेड के हिसाब से डेटा चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो UPL में दीपाली जी देखें तो एक करेक्शन बनते हुए देखने को मिला था, लेकिन पिछले वीक में काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला और करंट वीक में इसका एक फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिला है। पिछले वीक और इस वीक के अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, तो UPL में बाय करने की सलाह रहेगी 795 से 800, ये दो टारगेट के लिए हमें लगता है UPL फ्यूचर को बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से 758 का स्टॉप लॉस रखें तो UPL का सेटअप पॉजिटिव है, डेली वीकली चार्ट के हिसाब से हमें लगता है कि 800 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। 800 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं UPL में, अभी भी 2.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा कोई और स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है नई खरीदारी के हिसाब से वायदा में? तो एक स्टॉक और हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है जो है ICICI प्रू का। अगर देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आज ICICI प्रू का सेटअप देखें तो करीब 10% के आसपास के इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। ओवरऑल ये स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें बने हुए हैं, जिस तरीके से स्टॉक अब अपने 700 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है यहाँ से ICICI प्रू को बाय करना चाहिए। 735-740 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं, करंट लेवल से 703 के आसपास हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे ICICI प्रू के फ्यूचर को बाय करने के लिए। तो ICICI पोटेंशियल में खरीदारी की सलाह है 735-740 के टारगेट के लिए, 703 के रखिए स्टॉप लॉस। और इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे भी फोकस में है, इनफैक्ट जो अगस्त का इंश्योरेंस का डेटा आया है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस और साथ ही वाई वाई बेसिस पे जो APE ग्रोथ रही है एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट इंडिविजुअल बेसिस पे वो काफी स्ट्रॉन्ग रही, और अगर ICICI प्रूफ की बात करें तो 30% वाई ग्रोथ रही है इंडिविजुअल APE सेगमेंट में ग्रोथ अगस्त में, और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे यानी जुलाई के मुकाबले अगस्त में, तो भी 15% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है। तो ICICI प्रोडेंशियल फोकस में है, जहां खुला हालांकि वहां से थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन मौका दे रहा है एंट्री लेने का, इसीलिए खरीदारी करके चल